अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं कुकिंग विद फरीनाज यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मेरे एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग है, उसके अंदर मेरी सबसे पहले ये एक कुकिंग एक्टिविटी है जिसमें मैंने बनाया है, कुकिंग कर रही हूँ और इसमें बनाया हमने गोश्त के दही बड़े, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी थे। काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कि कुछ अच्छा खाएँ, मौसम भी बड़ा प्यारा प्यारा हरा भरा और तेज़ हवाओं वाला मौसम है, तो सोचा क्यों ना कुछ अच्छा और मज़ेदार सा बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं रात में डिनर के लिए, मैंने बनाए हैं गोश्त के दही बड़े और इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आप लोग सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी मेरी चैनल पे अपलोड हो चुकी है और उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, बेहद लजीज और मज़ेदार बनते हैं। इसके बाद जो है मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर भगार, भगार डाला बहुत टेस्टी बना और अब मैंने आप सबके साथ शेयर करना है अपने नेफ्यू का यानी कि मोहम्मद बलाज की जो है मैंने शॉपिंग शेयर करनी है कि उसके लिए हमने क्या क्या ख़रीदा। तो बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं और टॉयज़ भी लिए हैं, शूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक प्यारा सा व्लॉग आप सबके साथ शेयर किया जाए। और ये सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ही अच्छा लगा, ये वाला भी ले लिया, ये वाले भी सूट बहुत प्यारे हैं, बाकी के ड्रेसेस भी बहुत प्यारी है और ये कैप भी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ऐसे ही ले लिया मामू की जान। और इसकी जो है हमने कस्टमाइज़ करवाया था रॉम्पर, मतलब ये रॉम्पर वाइट लेके इस पर हमने लिखवाया था अन्नी की जान यानी कि खाला की जान, तो ये भी बहुत प्यारा है इसका रॉम्पर। और साथ ही जो है ये फ्री फरारी, और साथ जो है ये फरारी वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है, गाड़ी बनी हुई है इसमें भी इस तरह से। अभी मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत लेट हो चुका है और सोना भी है। ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है बीबी का, इस तरह से ये बहुत प्यारा, और ये इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल फैब्रिक है। और ये शूज़, और ये वाले शूज़ भी बहुत प्यारे हैं, और वो है इसका सेरिलेक्स का, और ये है इनका बैग बहुत ज़बरदस्त सा, सारा सामान जाएगा। और इसके अंदर है ये बेबी का ब्लैंकेट बहुत ज़बरदस्त है, ये ब्लैंकेट भी छोटू सा प्यारा सा। और ये है जी जनाब टॉयस, टॉयस में है ये वाली गाड़ी, इसमें लाइटें वगैरह चलती हैं, लाइटिंग होती है, बस है ये ट्रांसपेरेंट शेल की, बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये बस है। और इसके अलावा जो है हमने ली है गाड़ियों का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है तो इसलिए मैंने ये वाली गाड़ी भी ली है, इसके लिए मोहम्मद बलाज के लिए ये वाली गाड़ी ली है क्योंकि मुझे अच्छी लगी, मेटल्स की फोर कलर्स वाली बहुत प्यारी सी डिसेंट सी गाड़ी है। और जी इसके अलावा जो है मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें ना इस तरह के स्टफ टॉयज लगते हैं, कलरफुल हों और स्टफ टॉयज, मतलब ये सारे डक्स बनी हुई हैं सिक्स कलर की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने हाथ के हाथ ये भी ले ली। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है हम सब लेकर गए थे इलाज के लिए, और एक और गाड़ी ली है ये वाली गाड़ी, ये भी हमें बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये वाली ले ली, बहुत प्यारी है, इसमें लाइटिंग म्यूज़िक सब कुछ है। एक इस शॉपर के अंदर है हमारा मनी बॉक्स, हाँ बलाज का हाउस, ये है हमारे बलाज का मनी बॉक्स, इसमें जो है ये डालेंगे अपने मनी, सब मनी डालेंगे इसके अंदर और ये जमा करेंगे और यहाँ से इसके सारे मनी निकलेंगे। और एक ये है पूरा सेट, और ये है न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमने लिया है एक बाउंसर टाइप का, बहुत अच्छा सा जो है ना ये कैरी कॉट की तरह है लेकिन ये कैरी कॉट नहीं है, इसके 3 in 1 है, इसमें चेयर भी बन जाती है और जो है आराम से बच्चा लिटा दो, उसमें नेट है, ऊपर से नेट आ जाती है। तो न्यू बॉर्न बेबी की बहुत सारी वैरायटी है, वॉकर हमने नहीं ली क्योंकि वॉकर ऑलरेडी इनके पास थी, गिफ्ट में आई थी,
इनकी पप्पो ने गिफ्ट की थी बलाज की, और तो मैंने ये ले लिया था। बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ है, कुछ न्यू है लेकिन है बहुत प्यारा। इसे फोल्ड करके और इसके पार्ट्स निकाल के आप रख भी सकते हो। तो ये थी आज की सारी शॉपिंग जो हमने बलाज के लिए की। और ये है बाथिंग टब। बाथिंग टब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा सा है। इसका ये सिलिकॉन मटीरियल पर है और ये बहुत अच्छा प्यारा सा है। फोल्डिंग है ये नीचे से इसका स्टैंड ओपन होता है, फिर इसे आप फ्लोर पर रख दो और फिर इस पर मज़े से बैठ के जो है ना बच्चा लेट के आराम से अपना शावर ले सकता है, नहला सकते हैं बच्चों को। और जो से होल्स बने हुए, सारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा नीचे से वेस्ट होता रहता है, निकलता रहता है। और बहुत अच्छा है, कैरी करना भी बहुत इजी है। इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पे साइड में ना हॉल दिया हुआ है मोटा सा। तो ये है सारा सामान जो कि हमने दिया है अपने बलाज को, अपने नेफ्यू को। तो अब इसे पैक करना है, इसके बैग जो हमने लिया है इसके अंदर डाल देंगे। बैग पे देखिए कितनी क्यूट सी जो है ना काओ बनी हुई है। तो खैर अब सारा सामान बैग में डाल देंगे। सारा सामान बैग में तो नहीं आएगा, दूसरे बैग्स में भी आएगा। और खैर ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा व्लॉग। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर न्यू रेसिपी या फिर अच्छे अच्छे व्लॉग आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी व्लॉग या फिर रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।